वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखे अर्थपूर्ण ईडियम्स के साथ 159वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडियम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, पुट ऑन ट्रायल। नंबर टू, पुल वंस वेट। साथियों, पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। पुट ऑन ट्रायल स्पेल आउट कर देता हूँ, PUT पुट, ON ऑन, TRIAL ट्रायल। साथियों, मुहावरे पुट ऑन ट्रायल का होता है, नंबर वन, किसी पर न्यायालय में मुकदमा चलाना। नंबर टू, किसी व्यक्ति या वस्तु की योग्यता, क्षमता, उपयोगिता को टेस्ट करना, एग्जामिन करना, एक्सपेरिमेंट करना, परीक्षण करना। साथियों, हम पुट ऑन ट्रायल के स्थान पर सिर्फ ऑन ट्रायल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक ही है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही हैज बीन पुट ऑन ट्रायल ऑन मर्डर चार्ज। उन पर न्यायालय में हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया गया है। नंबर टू, दे लेट अस पुट दिस न्यू वैक्यूम क्लीनर ऑन ट्रायल विथ द प्रोमिस ऑफ फुल रिफंड इफ वी डोंट लाइक इट। उन्होंने हमें यह वचन दिया है कि यदि यह नया वैक्यूम क्लीनर हमारे टेस्ट में या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो वो हमें पूरा पैसा वापस करेंगे। नंबर थ्री, आई हैव बीन गिवन दिस जॉब ऑन ट्रायल सो दैट आई कैन प्रूव माई मेटल। मुझे यह नौकरी परीक्षण के तौर पर दी गई है ताकि मैं अपनी योग्यता को प्रमाणित कर सकूं। साथियों, अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। पुल वंस वेट स्पेल आउट कर देता हूं, PULL पुल, ONEAPOSTROPHE S वंस, WEIGHT वेट। साथियों, मुहावरे पुल वंस वेट का अर्थ होता है किसी ग्रुप एक्टिविटी में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सामूहिक कार्य में अपनी योग्यता के अनुरूप सहयोग करना, जिम्मेदारी निभाना। साथियों, हम पुल वंस वेट के स्थान पर पुल वंस ऑन वेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक ही है। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, गौतम जी, इफ यू विल नॉट पुल योर वेट देन वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। गौतम जी, यदि आप अपनी योग्यता के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो हम इस परियोजना को समय पर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। नंबर टू, इफ वी वांट टू विन दिस कंपटीशन सो वी ऑल हैव टू पुल आवर वेट। यदि हम इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं तो हम सभी को अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग करना पड़ेगा। नंबर थ्री, वी विल नॉट इंक्लूड हिम इन आवर टीम बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू पुल हिज वेट। हम उन्हें अपनी टीम में सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मैंने दो मुहावरे, तीन तीन एग्जाम्पल्स द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं मैं अपने प्रयास में सफल रहा हूं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा सीखें, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए। मित्रों, स्वर्गीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अमर पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।